totally 32 lakh central government employees are there. And we are a confederation. And we have demanded the government to modify the 7th pay commission recommendation. And we gave an indefinite strike notice also. At that time, a group of ministers consisting Rajnath Singh ji, Home Minister, Finance Minister Arun Jaitley ji, and Suresh Prabhu, then Railway Minister ji, called for discussion. उन्होंने एश्योर किया आपका मिनिमम पे और फिटमेंट फार्मूला इंक्रीज करेगा बट वन ईयर इज ओवर टिल दिस डेट दे हैव नॉट डन एनीथिंग सो एंटायर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज फील बिट्रेड एंड चीटेड। आयकर कर्मचारी महासंघ के मैं अखिल भारतीय अध्यक्ष हूँ। अभी जो मौजूदा सरकार है उससे हम लोग बहुत परेशान हैं। 7th पे कमीशन के टाइम पे भी उन लोगों ने हमारे संग जिस तरीके का धोखेदारी किया उससे हम लोग बहुत परेशान हैं। और दूसरी बात कि हजारों पद हमारे डिपार्टमेंट में खाली हैं। आपको मालूम है कि डेमोनेटाइजेशन आईडीएस की स्कीम सरकार लेके आई, हमने सक्सेसफुल किया 100%, उसके बावजूद हमारे यहाँ पे काम इतना बढ़ गया है। अभी तमाम चीज़ों को डेली सरकार, प्रधानमंत्री मोदी स्वयं हमें निर्देश दे रहे हैं, वित्त मंत्री निर्देश दे रहे हैं, लेकिन हमारे विभाग में हजारों 30,000 से ज़्यादा पद खाली पड़े हैं, उनको भरने के लिए वो ध्यान नहीं दे रहे। सिमिलरली वन बाई वन दे आर अटैकिंग दी सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। Large scale outsourcing are taking place. Recently, cabinet has decided to close down 12 printing presses. Major government of India printing presses, close down order has been issued. We have requested the government don't go like this, but government is not ready to consider. Trade union facilities are also being attacked. Recognition is not being granted to major federation, and their office bearers are being harassed. And these are all big problem. Not only that, in central government department, postal department, there are 3 lakh Grameen Dak Sevak. They are working in the rural post offices. They are low paid employees. Their wage revision has not taken place till now. A report was submitted to government last year. 1 year is over. Till this day, finance ministry is not clearing the proposal. आज़ादी वो के 70 साल हुआ, ये 100 साल का पहले भी हम लोग का 5 घंटा 4 घंटा 5 घंटा का अपॉइंटमेंट करके धंका देता था ब्रिटिश लोगों। आज़ादी आने के बाद आज भी नरेंद्र मोदी वगैरह इतना बोलने के बावजूद भी आज हमारा धंका 4 घंटा 5 घंटा का दे रहा है। इवन हर जगह में गांव बढ़ गया, ये देश में 89% तो डाकघरों का हम लोग चलाता है, नरेगा काम कर रहा है, 70% नरेगा पेमेंट कर रहा है, इंश्योरेंस का काम कर रहा है और स्मॉल सेविंग का काम करता है, स्पीड पोस्ट सभी तरह का पार्सल, नाप तोल, अमेजान सभी काम हम लोग करने के बाद भी हम लोगों 10 घंटा काम करता है, परंतु गवर्नमेंट 4 घंटा 5 घंटा का तंका दे रहा है। There are casual laborers and contract laborers working in the central government department. Their regularization, they are working there for 10 years, 20 years, they are working. But Supreme Court has issued a judgment, equal pay for equal work. That judgment is not implemented in central government departments till date. हमारे विभाग में भी जो हमारे पास पद खाली पड़े हैं, जिसकी तनख्वाहें सरकार ने घोषित कर रखी हैं, जो हमें देनी चाहिए उसको तो दिया नहीं जा रहा। और जो है डिपार्टमेंट में सभी जगह पे, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे कलकत्ता हो, चाहे मद्रास हो, सब जगह आउटसोर्स का सहारा लेने का प्रयास किया जा रहा है, जिसकी हम घोर निंदा करते हैं और हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि उसे बंद किया जाए, अन्यथा हम इनकम टैक्स में भी आगे आने वाले दिनों में स्ट्राइक पे जाएंगे। आज जो है एक मिनिमम कर्मचारी को 20,000 से 25,000 तनख्वाह दिया थी, उनको 5,000 से 7,000 में या 10,000 में काम कराया जाए। मैं समझता हूँ ये सीधा सीधा शोषण हो रहा है इस देश के अंदर। जो सरकार गरीबों की बात कर रही है, जो सरकार कर्मचारियों की बात करती है, मैं समझता हूँ वो बेमानी है, वो धोखा है हमारे साथ। Central government should be a model employer. Then only it can say to private employers that they are not implementing. Their regularization scheme, they are telling no, they cannot be regularized. So casual laborers, Grameen Dak Sevak, regular employees, job seekers, in short I am telling, wage
is under attack. Job security is under attack. Social security, that is pension, has become new pension scheme or naya pensions. Naya pension scheme means share market oriented pension scheme. Finally, what we will get, nobody can predict. So it has, in effect, it is a no pension scheme. On behalf of Tamil Nadu Government Employees Union, we came to Delhi and demonstrate in favor of our demand. We want a restoration of old pension scheme, which has been scrapped by the central government. So, social security is under attack. Trade union facilities are also under attack. So, after this government coming, entire employees feel dissatisfied, discontentment is growing, and they are totally against this policy of the government. We are demanding changing the policy, but government is not ready to change. This is the present situation in the central government. So, we decided to go ahead with our agitation, and we have conducted phased program of action, and we are planning for an indefinite strike in 2018.